जी स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 15 चैप्टर की आज हम डायग्राम्स ड्रॉ करने सीखेंगे। तो सबसे पहली डायग्राम प्लेनेरिया की है। इस तरह से आपने प्लेनेरिया ड्रॉ करना है। बहुत तवज्जो से आपने इसको, वीडियो को बाद में पास करके एक एक स्टेप को ड्रॉ करना सीखें। अंदर एक लाइन जो कि बाहर वाली की पैरेलल होगी, ये मेन एक्सक्रीटरी डक्ट्स हैं जो अंदर की जानिब ब्रांच्ड होती हैं। दूसरी साइड से भी हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह ये एक्सक्रीटरी डक्ट्स, और इन एक्सक्रीटरी डक्ट्स को हम बाहर बड़ा करके अगर मैग्नीफाई करके बनाएं तो पहले एक एरो आएगा, इसके बाद ये मेन एक्सक्रीटरी डक्ट और ये उनके इंटरनल ओपनिंग के ऊपर मौजूद एक ख़ास तरह का सेल, दूसरी साइड से भी उसको ड्रॉ करेंगे। तो ये आपने शेप याद रखनी है कि इस तरह करके यूं ऐसे इलोंगेटेड, और फिर अंदर वाली साइड पर ऐसे टफ्ट ऑफ सीलिया आपने ड्रॉ करने हैं। इस साइड पर भी ड्रॉ कर दें और इसमें भी ड्रॉ कर दें। और फिर ये न्यूक्लियाई हैं, तो ये हमारे पास इसकी मैग्नीफाइड फॉर्म है। अगर हम एक सेल को ड्रॉ करें, फ्लेम सेल को, तो वो कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले आपने ये शेप ड्रॉ करनी है, इसको इलोंगेट कर दें, लंबा कर दें। ये मेन एक्सक्रीटरी डक्ट आ गई, और यहाँ पर आपने टफ्ट ऑफ सीलिया जो हैं उनको शो कर देना है। कुछ इस तरह से प्रोटोनेफ्रिडिया की डायग्राम होगी। अब हम इसको, ये हमारे पास टफ्ट ऑफ सीलिया, इसको हम, ये फ्लेम सेल है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द प्रोटोनेफ्रिडिया, एंड प्रोटोनेफ्रिडिया आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट हमारी डायग्राम जो हम ड्रॉ करने जा रहे हैं वो है अर्थवर्म की। जी स्टूडेंट्स, अर्थवर्म के अंदर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स जो पाए जाते हैं उन्हें मेटानेफ्रिडिया कहा जाता है। और आप सब बच्चे जानते हो कि मेटानेफ्रिडिया पेयर की शक्ल में पाए जाते हैं, और इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है। ये एक सेगमेंट हम ड्रॉ करेंगे, ऊपर एक कर्व आई, नीचे से हम कर्व दोबारा ड्रॉ करेंगे, तो बिल्कुल ऊपर के जैसी कर्व आपने नीचे ड्रॉ करनी है, और इस तरह आपने इनको ऐसे मिला देना है। तो ये हमारे पास एक सेप्टम हमने ड्रॉ कर लिया। अब इस एक सेप्टम के अंदर हम मेटानेफ्रिडिया ड्रॉ करने जा रहे हैं। ये इसकी इंटरनल सीलिएटेड ओपनिंग है, और यहाँ से आपने बच्चों कॉन्व्यूलेटेड बल खाती हुई नालियाँ बनानी हैं। किसी भी शेप में बना दें, लेकिन जब आप इसको डबल करें तो दोनों लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इक्वल रहना चाहिए। जी, जिधर जिधर जा रही हैं उसको डबल करते जाएं। जी, इस तरह करके डबल होंगी, और ये डबलिंग आपने बहुत एहतियात से करनी है। ये ना हो कहीं से ज़्यादा कर दिया जाए, कहीं से कम, तो फिर वो डायग्राम की खूबसूरती नहीं रहती। तो ये लास्ट पार्ट हम मेटानेफ्रिडिया का बना रहे हैं, जो कदरे फूला हुआ होता है, इसको ब्लैडर कहा जाता है, और ये इंटरनल सीलिएटेड ओपनिंग है जिसे हम नेफ्रोस्टोम बोलते हैं। और यहाँ पर कैपलरीज जो होती हैं इन कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स को सराउंड करती हैं। तो ये आपने इस तरह से शो करवा देनी है। ये ओपनिंग है जिसे नेफ्रिडियोपोर कहा जाता है, और ये इंटरनल ओपनिंग है जिसको नेफ्रोस्टोम कहा जाता है। ये सीलिएटेड होती है। लास्ट पोर्शन जो है ये ब्लैडर है। तो इस तरह करके इनके अंदर ये मेटानेफ्रिडिया पाए जाते हैं। ये सेप्टम है, ये एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट से सेपरेट करता है, ब्लैडर है। ये हमारे पास कैपलरीज हैं। तो ये हमारे पास मेटानेफ्रिडिया की डायग्राम है। इसको आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस करें,
आजकल आपके पास टाइम है, कॉलेज ऑफ हैं, तो घर बैठकर इनको ज़्यादा से ज़्यादा ड्रॉ करें। नेक्स्ट हमारी जो डायग्राम है वो है जी एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। कॉकरोच आप सब बच्चे जानते हो कि ये आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करती है, तो इसकी डायग्राम आपने कुछ इस तरह से ड्रॉ करनी है, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से, और ऊपर छोटी छोटी कर्व्स आपने ड्रॉ करते हुए नीचे वाली साइड पर भी छोटी छोटी कर्व्स और ऊपर वाली साइड पर भी इस तरह से कर्व नुमा स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। इसको सीधा लेके जाएं, यहाँ से राउंड करते हुए इसको वापस लेके आएं, जी इस तरह से इसको वापस लेके आएं, और फिर एक साथ नीचे और एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। ये इनफैक्ट दोनों विंग्स हैं जो आपने ड्रॉ करने हैं। इसको इस तरह कर्व करते हुए नीचे लेके आएं। इसके बाद आपने इसकी लेग्स जो कि जॉइंटेड होती हैं, ये एक जॉइंट, ये दूसरा जॉइंट और ये तीसरा जॉइंट, तो ये तीन जॉइंट्स में आपने लेग ड्रॉ करनी है। दूसरी लेग है इसकी, ये पहला जॉइंट, ये दूसरा जॉइंट और ये तीसरा जॉइंट। और इसी तरह एक और बड़ी इसकी लेग ड्रॉ करें, बिल्कुल सीधी लेके जानी है आपने, और ऊपर से नीचे लेके आएं बिल्कुल सीध में, और यहाँ पर इसका तीसरा जॉइंट बना दें। तो बच्चों कोशिश ये करनी है कि जो बुक में डायग्राम्स हैं उनको कॉपी करना है। तो यहाँ पर हम इसका डाइजेस्टिव सिस्टम ड्रॉ करेंगे। ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है कि फोर गट, मिड गट और हाइंड गट होती है, तो ये हम इसका डाइजेस्टिव सिस्टम ड्रॉ करने जा रहे हैं। यहाँ पर जी, तो ये मिड गट और हाइंड गट जहाँ पर आपस में मिलती हैं, यहाँ पर ये ट्यूब्यूल्स होती हैं जिन्हें मॉलपीजियन ट्यूब्यूल्स कहा जाता है, और ये इनका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होती हैं, इनके ज़रिए ये एक्सक्रीशन करती हैं। ये इसकी आइज़ हैं। तो इसको अगर हम एक मॉलपीजियन ट्यूब्यूल को यहाँ बड़ा करके बनाएं, तो ये एपिथीलियम की बनी होती है। ये हमारे पास एक मॉलपीजियन ट्यूब्यूल है और ये इसकी वॉल्स के सिंगल सेल्स हैं जो एपिथीलियल सेल्स इन नेचर होते हैं। और ये हमारे पास राइट लेफ्ट साइड पर मिड गट है और राइट पर हाइंड गट है। तो बच्चों ये हमारे पास जो डायग्राम है वो है, ये है मॉलपीजियन ट्यूब्यूल्स विच आर द एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स ऑफ द कॉकरोच। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसकी डायग्राम है, इसको बार बार ड्रॉ करें, इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये थोड़ी सी प्रैक्टिस करने से ये डायग्राम्स आप बहुत अच्छे से ड्रॉ करनी सीख जाएंगे। इन वीडियोस को पास करें, स्लो कर लें, स्लो करने के बाद उसको दोबारा से उसको देखें, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी डायग्राम्स हैं। अब लास्ट जो डायग्राम्स ह्यूमन एक्सक्रीशन में, हम किडनी की डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो किडनी की डायग्राम पहले भी एक लेक्चर में ड्रॉ हो चुकी है, तो वो 10th क्लास की हवाले से थी। तो अब ये सिंपल आपने एक इस तरह से एक लेआउट ड्रॉ करनी है, और अंदर भी आपने उससे मिलती जुलती, और अंदर वाली के अंदर आपने इस तरह ट्राई एंगल्स बना देनी है। ये ट्राई एंगल्स बन रही हैं जी स्टूडेंट्स। इसको अब मिटा दें यहाँ से। ये कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं, ये रीनल पैरामिड्स हैं, और इनको मिटाने के बाद इनके सेंट्रल रीजन से, यहाँ से हम यूरिटर ओरिजिनेट करेंगे। ये पेल्विस रीजन है, यहाँ से आपने ये यूरिटर नीचे की जानिब लेके आना है, और यहाँ पर आपने रीनल आर्टरी, इसको ब्रांच कर दें अंदर, और रीनल ट्यूब्यूल, इन दोनों को ड्रॉ कर दें। तो ये हमारे पास, इसको अब नीचे से अगर हम डबल करना चाहें तो ये बहुत खूबसूरत लगती है डायग्राम।
अगर हम इसको नीचे शेड दे दें इस तरह डबल करके, तो ये इस तरह से इसकी ये डायग्राम बनेगी। तो मैं इसको लेबल नहीं कर रहा, सिर्फ आपने इसको बनाने की इसकी प्रैक्टिस करनी है। तीन चार दफ़ा अगर आप वीडियो को देखेंगे और इसको बार बार पास करेंगे और जो जो स्टेप आपको टीज कर रहा है आप उसको दोबारा दोबारा ऑन करके देखें, तो ये आपको डायग्राम बहुत अच्छी आप बनाने के काबिल हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारी जो डायग्राम है बच्चों वो है नेफ्रॉन की। जी, तो इस तरह करके हमने एक एक चांद की तरह से वूमेन कैप्सूल ड्रॉ करना है। यहाँ से पहली कॉन्वुलेटेड, बच्चों यहाँ पर ना दोनों लाइनों के दरमियान जो आप कॉन्वुलेटेड बना रहे हैं, तो इसमें इसकी खूबसूरती ये होती है कि दोनों लाइंस के दरमियान डिस्टेंस को आपने इक्वल रखना है। तो ये बल खाती हुई नाली आ रही है जो नीचे की जाने बढ़ेगी और ये हम इसका लूप ऑफ हेनले ड्रॉ करने जा रहे हैं। बिल्कुल सीधी लेके आए जी, तो इसका ये डिसेंडिंग लिम्ब और ये असेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग लिम्ब थिक होता है तो इसको हमने थिक करना है। अब ये डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल हम ड्रॉ कर रहे हैं, इसको भी आपने ऐसे कॉन्वुलेटेड कर देना है और इसको कनेक्ट कर देना है किसके साथ, कलेक्टिंग डक्ट के साथ। याद रखिएगा कलेक्टिंग डक्ट इज़ अ नॉट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। तो ये हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट है, इसको सही कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपने ग्लोमेरुलस ड्रॉ करना है, ये हमारे पास रीनल आर्टरी है ग्लोमेरुलस और ये हमारे पास पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज हैं। तो बच्चों ये आज की कुछ डायग्राम्स हैं, फिर अगले लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी।